जैसे ही ट्रेन की आमद का इशारा मिला, फाटक को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और गाड़ियां फाटक खुलने का इंतजार करने लगी। कराची में रेलवे लाइन के साथ कई आबादियां हैं जहां रेलवे फाटक का सिरे से वजूद ही नहीं, और जहां फाटक हैं तो ऐसी जगहों पर लोग और खुसूसन बच्चे जान की परवाह किए बगैर पटरी पार करते हैं। इस ब्रिज के ऊपर मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ है। पटरी क्रॉस करने वाले को ये देखना चाहिए कि फाटक बंद है, देखें ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही है। आवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम पेडेस्ट्रियन ब्रिज को यूज़ करें। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर मामूल की बात है, रेल गुजरने का वक्त मालूम नहीं, पटरी के साथ कोई रुकावट भी नहीं और लोग भी बे एहतियाती से गुरेज नहीं करते। अगर ट्रेन आ रही है तो हम थोड़ा वेट कर लेना चाहिए हमें। कसूर ये आवाम का ही है, ट्रेन को देखते नहीं और सीधे भागने की करते वो। इस सिलसिले में रेलवे हुकाम भी बेबस नजर आते हैं। ये तो जो बैरियर है ये सिर्फ गधे के लिए, घोड़ों के लिए, बैलगाड़ी के लिए, मगर वो तो बैलगाड़ी से और जानवरों से भी बदतर है। जब हुकूमत बेहिस, हुकाम बेबस और आवाम लापरवाह हो जाएं, तो बस यही कहा जा सकता है कि एहतियात पछतावे से लाख दर्जे बेहतर है। रेलवे फाटक और पटरियों के आसपास चंद मिनटों के लिए रुकना, अनमोल जिंदगी को दाव पर लगाने या सारी उम्र की माजूरी से कहीं बेहतर है। तो क्यों ना एहतियात का दामन थाम कर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ सिद्रा डार, जियो न्यूज़, कराची।